मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे फर्जी विदेशी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जो इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाता था। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की यदि माने तो कथित कॉल सेंटर चालकों ने करीब 2500 विदेशी नागरिकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी विदेशी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह के 2 डायरेक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और कई तरह के सॉफ्टवेयर जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक इस कॉल सेंटर में करीब 61 लोग काम करते थे, जिनमें से 25 महिलाएं भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच ने बताया कि करीब 2500 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को क्रिप्टो करेंसी, कॉमोडिटी और फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर हर विदेशी नागरिक से कम $200 का इन्वेस्टमेंट कराया गया है। क्राइम ब्रांच के आंकड़ों के मुताबिक 2500 विदेशी नागरिकों को लगभग 4 करोड़ से अधिक का चूना लगाया गया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विनायक चौहान को अपने मुखबिरों से गुप्त सूचना मिली थी कि गोरेगांव के प्रेमनगर इलाके में स्थित DHL पार्क में इमारत के ऑफिस नंबर 301 में इंटरनेट कॉल सेंटर के जरिए फॉरेन करेंसी की इन्वेस्ट करने का फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देते हुए इसका पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक यहां काम कर रहे लोग विदेशी भाषा में भी बात कर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कमोडिटी, फॉरेक्स ट्रेड और कुछ अन्य तरीकों से लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उनसे $200 इन्वेस्टमेंट करवाते थे। क्राइम ब्रांच ने बताया कि लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने के लिए कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करती और एक वेबसाइट के माध्यम से उन्हें जानकारी शेयर करने के लिए कहती थी, ताकि इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को भरोसा हो जाए। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम इंदर कुमार पासी उम्र 30 साल, इरफान इकबाल उम्र 43 साल, जाहिद शेख उम्र 43 साल, श्रीजू पड़िकर उम्र 32 साल, ईसाई कुमार उम्र 27 साल और अंकुश शर्मा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। यूनिट 11 को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि DHL पार्क गोरेगांव यहाँ पे इलीगल कॉल सेंटर चल रहा है और वहाँ से वाइफ को इंटरनेट वाइफ कॉल द्वारा कॉलिंग करके गल्फ कंट्रीज में जो रहने वाले इंडियन वो लोगों को टारगेट करके उसको फंसा रहे हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि उनका एक वेबसाइट www.webdunsmith.com ये वेबसाइट से वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड भेजते थे और ऐड में ये बताते कि आप करेंसी कमोडिटी ट्रेड इसमें पैसा इन्वेस्ट करो और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जब वो लोग इन्फॉर्मेशन उस पर फिल करते तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कॉल सेंटर में जाती थी और कॉल सेंटर में जाने के बाद इमीडिएट वो बंदे को फ़ोन करते थे और फोन करने के बाद उसको जो एकदम इंड्यूस करते थे, उनको बताते कि भाई आप ये पैसा इन्वेस्ट करो, आपको मिनिमम $200 इन्वेस्ट करना है और आपका पैसा किधर में जाएगा, हमारी कंपनी आपकी सिक्योर करेगा पैसा। और वो वेबसाइट पे जो पैसा कस्टमर ने ऑनलाइन भरा है वो पैसा दिखता नहीं था, तो उनको भरोसा आता था कि पैसा जाने वाला है और नेक्स्ट 24 to 48 hours में आपका ट्रेडिंग चालू हो जाएगा। और जैसे वो टाइम ख़त्म होता था कि वो बाद में वेबसाइट दिखता ही नहीं था और बाद में बंद होता था सब, तो इसी तरह लोगों को फंसाया है।